स्टूडेंट, आपको मेरा पिछला वीडियो कैसे लगा? क्या ठीक से समझ में आया? इसको बताइएगा। अब इसके बाद हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का चैप्टर 3.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। उसको हम एक तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहेंगे, जिससे आपको सरलता रहे, ठीक से समझ में आए। तो प्यारे स्टूडेंट, उसको ठीक से समझिए, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एंगल जानना बहुत जरूरी है। कल इसके पिछले वाले वीडियो हमने रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में आपको सिखाए थे, तो साथ में समझ में आ गया होगा कि अगर डिग्री दिया है तो रेडियन बदलना है, तो 180 अपान पाई से गुणा करते हैं, और अगर रेडियन दिया है डिग्री बदलना है तो 180 अपान पाई से, और अगर डिग्री दिया है और रेडियन बदलना है तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। इसके सारे क्वेश्चनों को मैंने बताया। तो अगला चैप्टर 3.2 में जो जो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, पहले उसको आप लोग समझ लो। आप लोग 10 में उसे पढ़े होंगे, जानकारी होगी, फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जिसको आपको सरलता रहे। तो देखो, सबसे पहले जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 150, 135 भी, 150, फिर 180, फिर आगे भी और एंगल की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम एक छोटा सा रूल आपको बताएंगे, उसके माध्यम से आप सीखेंगे तो और सरलता रहेगी। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स लिख लेते हैं, गिनती लिख लेंगे, और उसमें 4 का डिवाइड करके और प्रत्येक का वर्गमूल करके उसका मान लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, काट के मान ज्ञात हो जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप जानते हैं, है ना, ये हाई स्कूल में पढ़े भी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन, कॉस, टैन, 3 मेन हुए, 3 उनके उल्टा होते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉसेक का अपोजिट साइन, कास का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कास, टैन का अपोजिट कॉट, और कॉट का अपोजिट टैन होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसे मान लिया जाए आपको इसमें 0 डिग्री बताना है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक जान लेंगे तो आगे सब सरल रहेगा। इसके लिए आप करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या जो 4 है उसी से डिवाइड कर लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करने के प्रत्येक का अंडर रूट कर देते हैं, ये सब का अंडर रूट कर देंगे तो इसमें जो वैल्यू आए निकाल के रखे जाएंगे। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 1 में 4 का तो 1/2 हो जाएगा, वही दशमलव नहीं करना है, 4 का 2 हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 2/4 है तो काट दीजिए, 2 × 4, ये आपका हुआ कितना, 1/√2। फिर इस बार ये हो जाएगा √3/2, 3 का नहीं हो पाएगा, रूट लगा देंगे, 4 का 2 हो जाएगा, कर करके एक का रूट स्कोर, 1 का वर्गमूल जो है 1 ही हो जाता है। ये जो वैल्यू निकली साइन का हुआ, साइन को पढ़ें कैसे, साइन 0 डिग्री के मान 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार से कॉस का निकालेंगे, तो कॉस को उल्टे क्रम में चले, अंत को मैंने क्रम जो है अपोजिट को शुरू में करके चले, यानी उल्टे क्रम में चले, लास्ट को प्रारंभ से लिख के चले। तो ये 1 यहाँ लिख दें और ये √3/2 यहाँ लिखें, और ये ठीक बीच में है तो यही हो जाएगा, ये अपने यहाँ हो जाएगा, और ये 0 अपने यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट कॉस का मान, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इनको उल्टा बता दें, फिर टैन को बताएंगे। साइन का अपोजिट जानते हैं कॉसेक होता है, कॉसेक, तो कॉसेक बताना है तो साइन की जो वैल्यू है उसी को उलटते जाएंगे। तो 0 का अपोजिट जानते हैं 1/0 हो जाएगा, और 1/0 में 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, 0 कभी भी 1 को नहीं पाएगा, इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। फिर इसी बात साइन 30 का मान 1/2 है, उसका अपोजिट करेंगे 2/1, तो 2 लिख देंगे, नीचे 1 करेंगे, 1 का भाग करेंगे उतने आता है, इससे 2 लिख देंगे। फिर 1/√2 का √2 हो जाएगा, फिर √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और फिर 1 का अपोजिट 1/1 यानी 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार साइन का अपोजिट कॉस हुआ, कॉस का अपोजिट से एस ई सी से,
सिर्फ देखेंगे कॉस का उल्टा होता है, तो जो कॉस की वैल्यू है उसी का अपोजिट कर देंगे तो सेक निकल आएगा, एक का अपोजिट एक ही होगा, फिर रूट थ्री बाई टू है तो टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, फिर वन बाई रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद वन बाई टू है ये टू हो जाएगा, फिर इसके बाद ये जीरो है, जीरो का अपोजिट वन अपॉन जीरो अर्थात इनफाइनाइट, इसको ध्यान दीजिए इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिमित अनंत पद है इसमें। अब इसमें दो और रह गए, छह फलन है, दो चार बताएं। अब इसको टैन देखिए, टैन के लिए जैसा आप जानते हैं टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो हम लिखे दे रहे हैं बीच में, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसका मतलब जो वैल्यू निकालना वही एंगल है लिखे जाना है। जैसे टैन जीरो का बताना है तो टैन जीरो के लिए हो जाएगा साइन जीरो डिवाइड बाई कॉस जीरो, साइन जीरो का मान जीरो निकला हुआ देखो साइन जीरो, अब कॉस जीरो का मान वन है तो जीरो में एक का डिवाइड कर एक जीरो 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 हो जाएगा। इसी प्रकार से टैन थर्टी का निकालना है तो आप कह देंगे साइन थर्टी डिवाइड बाई कॉस थर्टी, ठीक, तो साइन थर्टी का मान वन बाई टू है, कॉस थर्टी का मान रूट थ्री बाई टू है, टू टू कैंसिल आउट तो वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। इसी तरीके से टेन फोर्टी फाइव का, टेन सिक्सटी का, टेन नाइन्टी का सब निकाल लेंगे, ऐसे उसी को उलट देंगे तो काट का हो जाएगा, इस प्रकार से मान निकल आ जाएगा, लेकिन आगे टेन का मान हम लिखे जा रहे हैं क्रम से, तो टेन जीरो उसी सामने लिखेंगे, तो टेन जीरो मतलब साइन जीरो बटे कॉस जीरो से जीरो आया तो जीरो हो जाएगा, फिर टेन थर्टी का मान अभी निकालें वन बाई रूट टेन उस नीचे लिखेंगे वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, टेन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव में कॉस फोर्टी फाइव भाग करेंगे दोनों सेम है कट कर एक हो जाएगा, उसके सामने एक लिख देंगे इस प्रकार से, इस पर ध्यान दीजिए समझाने के लिए लिखिए यहाँ पर, टेन जीरो टेन जीरो हुआ, टेन थर्टी टेन फोर्टी फाइव, टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी में साइन सिक्सटी में कॉस सिक्सटी डिवाइड करेंगे तो टू टू कैंसिल आउट रूट थ्री हो जाएगा, फिर टेन नाइन्टी साइन नाइन्टी में वन हुआ कॉस नाइन्टी में जीरो हुआ, एक में जीरो को डिवाइड करेंगे तो एक में जीरो को डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको सिर्फ समझ में आ गया होगा, अब एक में आप जीरो को डिवाइड करेंगे तो ये कहते हैं कि जीरो का इतनी बार ले जाएं टर्म इतनी टर्म में मल्टीप्लाई करें कि एक के बराबर आए, तो जीरो में चाहे जितने करोड़ लाख गुणा करें वो जीरो ही रहेगा, जीरो कभी भी मल्टीपल में एक को नहीं पाएगा, इसलिए मतलब इसको अनंत हो जाएगा, इसलिए कह देते हैं इनफाइनाइट कहते हैं, इसलिए वन अपॉन जीरो में ये, जबकि आप अगर जीरो बटा एक होता तो ये जीरो में आप एक का डिवाइड कर लेंगे तो एक का जीरो बार चला जाएगा, जीरो वन जीरो जीरो तो जीरो हो जाता है, तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ये वन में जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आप जानते ही होंगे। इसी प्रकार से आगे कॉट टेन का ऊपर उल्टा काट होगा, कॉट जीरो जो टेन होगा उसी उलट देंगे, टेन जीरो का मान जीरो है तो कॉट जीरो का मान इसी का उल्टा यानी वन अपॉन जीरो अर्थात इनफाइनाइट, एक में जीरो का भाग जीरो का भी इनको नहीं पाएगा, इसको इनफाइनाइट हो गया, फिर कॉट थर्टी का मान तो टेन थर्टी का मान उसी उलटते जाएंगे ये रूट थ्री हो जाएगा, फिर ये वन का अपोजिट वन ही होता है, इसका अपोजिट वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और इसका इनफाइनाइट का उल्टा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टे भाई एक बट इनफाइनाइट का होगा, और इनफाइनाइट कैसे बना होगा एक बटे जीरो से बना होगा, इनफाइनाइट बना एक बटे जीरो से, अब ये वन अपॉन जीरो जीरो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये वन इंटू जीरो अपॉन वन कुल मिला एक जीरो जीरो अपॉन वन इज इक्वल टू जीरो, तो मैंने कि वन अपॉन मतलब इन्फिनिटी का अपोजिट कहना है जीरो, और जीरो का उल्टा अपोजिट कहना है इन्फिनिटी, तो उसको हमें बता भी दिए इस प्रकार से होगा। इस प्रकार स्टूडेंट ध्यान दें, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल के छः फलन थे और इन छः फलनों का जीरो से लेके नाइन्टी तक हमने वैल्यू आपको सिखाया, तो कहने का मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक है, फिर एक इसको थ्योरेटिकल मेथड भी है, ट्राइंगल बना करके है ना, रेक्टेंगल बना के आप टूज और न्यून कोण बना करके वहाँ भी आप सीख सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है जो भी काम करेगी। तो इसमें हमने यही देखा कि जीरो से आप चार तक गिनतियाँ लिख लीजिए, डिजिट्स लिख लीजिए, उसमें सबसे बड़ी चार उसी से डिवाइड करके प्रत्येक का अंडर रूट करके जाएं, फिर निकल आएगा। तो बस जी साइन का कॉस का सबको दोनों उनके उल्टे हो गए, साइन का अपोजिट कॉस है और कॉस का अपोजिट जो ये तो कहने बस साइन निकल आएगा, तो उसी को उल्टे क्रम में लिख के जाओगे तो पास हो जाएगा, अगर पास बन गया तो फिर साइन का अपोजिट करते कॉस है और कॉस का उल्टा करते जाओगे सिर्फ, फिर टैन निकाल लोगे, चूंकि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसमें मान रख के जाएंगे निकल आ जाएगा, जब टैन निकल आएगी वैल्यू तो टैन का अपोजिट काट होता है, तो उसको उलटते जाओगे टैन को तो काट का मान होता चला जाएगा।
इसके आगे आप देखें, जैसे आपको अब 90 के आगे का मान आपको जानना है स्टूडेंट, जैसे 120 हुआ, 135 हुआ, 150 हुआ, इसके भी मान हम आपको सिखाएंगे। तो अब हम चाह ये रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज में शुरू करें, फिर 90 से लेकर के 180 तक और उसके भी आगे हम आपको सिखाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताएं 3.2 का, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ सिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है cos x इज इक्वल -1/2, और ये कह दिया जो ये एंगल है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के मीन्स चतुर्थांश जानते हैं आप, है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेंटर हो गया, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, चार क्वाड्रेंट इन चार चतुर्थांशों में डिवाइड होता है, और क्लाक वाइज न चल के एंटी क्लाक वाइज चलते हैं तब पॉजिटिव मानते हैं, और क्लाक वाइज चलते हैं तो नेगेटिव मानते हैं। तो ये मूल बिंदु से मतलब सेंटर से पॉजिटिव यक्ष से चलना कर चलते हैं, अब किधर जाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, जो घड़ी की सुई लेफ्ट टू राइट चलती है, यहाँ राइट टू लेफ्ट चलना, ये राइट से ऐसे चलना, ऐसे चलने को पॉजिटिव माना जाता है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव ठीक है, अब इधर से चलती तो ऐसे चलती तो ये निगेटिव होता है, ठीक। तो घड़ी के विपरीत चलना यानी घड़ी एंटी डायरेक्शन में चलना ये कहना है, ऐसे राइट लेफ्ट चलेंगे, तो यहाँ से इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ चला जाता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यह क्वेश्चन ये पहला 3.2 का, यदि cos x इज इक्वल टू -1/2 ये 1/2, और कंडीशन लिख दिया है x हो सकता है इसमें एंगल थीटा भी हो सकता था, और x को कह दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसके अन्य जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और हैं यानी cos के अलावा अन्य पांच और बचेंगे, उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर आप cos जाने, अच्छा ये स्टूडेंट पिछले वीडियो में, पिछले क्या मतलब कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, तो कक्षा 10 में कि साइन कॉस टैन से को से काट क्या होते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम एक बार बताना चाहते हैं, ध्यान दें, जैसे कि आप इसको इस प्रकार से हम करें, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन कॉस टैन, टैन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई बेस, इस प्रकार लिखते हैं। और ये याद रखें, फिर इससे ट्रिक हैं तमाम प्रकार के, जैसे हम लोग कह दिया करते हैं तमाम प्रकार, लाल बटे कका करके निकाल लेते हैं, वहाँ वो भी कर लेते हैं, बहुत चीज़ें हैं, ये सब जानकारी होगी, छोटी छोटी बातें हैं, जान जाओगे, जानते होगे तुम लोग। ये हो गया यहाँ पर cos x मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ इन्हीं को उलट दोगे तो cos x से काट भी निकल आएंगे। तो ये cos x जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस थर्ड में जाना, ये थर्ड ये है, तो या इसका बेस ये मानेंगे सेंटर से लेके बाई ओर चलेंगे इधर की ओर, है ना, तो इधर जाएंगे ये निगेटिव मिलेगा, यानी बेस इसका निगेटिव होगा, और हाइपोटेनस ये तिरछा लाइन खींचेंगे जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये बेस और परपेंडिकुलर यही पॉजिटिव निगेटिव माने जाते हैं, और जो डायगोनल होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़े हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, स्क्वायर रहते हैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए हाइपोटेनस तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, जो निगेटिव होगा वो बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के आधार पर हो सकता है। तो अब यहाँ समझे स्टूडेंट, cos x थर्ड में है -1/2, यानी आप जानते हैं ये ऊपर वाला हमारा क्या होगा, बेस होगा, और नीचे वाला ये हमारा क्या, हाइपोटेनस होगा, क्योंकि इसकी डिफिनेशन है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस को कितना माना जाए, 1, लेकिन लेफ्ट में चूंकि थर्ड में है तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब अलग से अगर मैं बताऊँ ये, तो ये हमारा -1 और 2 हमारा ये डायगोनल होगा, इसको हाइपोटेनस भी कहते हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव करते हैं। अब ये परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, यहीं पर एंगल ही बता कह सकते हैं, ये हमारा एक्स भी होगा इस प्रकार से,
तो ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको समझिए, आप पढ़ भी चुके होंगे। अगर कोई चीज़ नहीं बनती है, चाहे भले वो छोटी चीज़ पे हो, सब हम बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि सर ये चीज़ बता दीजिए, तो हम उस सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन चूँकि 11th का कोर्स है, उस ढंग से चलना है। आप लोग ध्यान रखें, जहाँ जो भी प्रॉब्लम हमसे सब पूछें आपको। तो देखिए, हाइपोटेनस यहाँ टू पता है, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है, यहाँ मान लीजिए मानिए एक्स हमने मान लिया, तो ये या पी लिख रहे पी स्क्वायर, और बेस माइनस वन है, उसका वर्क करेंगे तो वन हो जाएगा। आप इसको इधर लाएंगे तो फोर में से वन में थ्री हो जाएगा, थ्री इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पर हम रूट थ्री भर देंगे। दूसरी बात ध्यान दें, ये ओरिजिन मूल बिंदु के नीचे है, यानी एक्स एक्सिस के नीचे है, नीचे निगेटिव वाई मिलता है, इसलिए जो मान आएगा वो निगेटिव आएगा, इसलिए हमें हर कीमत पर यहाँ माइनस लगाना होगा। ठीक है, यहाँ तो चूंकि पी रूट लगा दिया, या प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे थर्ड में जा रहा है, और थर्ड मतलब नीचे वाई एक्स एक्स एच के नीचे है, निगेटिव वाई है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो पी की वैल्यू जो परपेंडिकुलर हो माइनस रूट थ्री। अब इसके द्वारा जो हम जानकारी सब हो गया, बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर मालूम हो गया, हाइपोटेनस दिया, ये सब मालूम है। अब शेष जो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते हैं, ये सब कहाँ कॉस बताइए, तो कॉस दिया ही था, साइन बताइए, देखिए साइन साइन जैसे जानते हो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है माइनस रूट थ्री, हाइपोटेनस कितना है टू है, जिसको पैसे। फिर टेन में आ जाइए, टेन एक्स बताना है, ये जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक, परपेंडिकुलर माइनस रूट थ्री, बेस माइनस वन, तो माइनस में कैंसिल आउट, इज इक्वल टू स्टूडेंट रूट थ्री हो जाएगा। ठीक, जब ये जान गए आप, तो अन्य को बताना है, तो चाहे इस फिगर से बताएं, या आप जानते हैं कौन किसका अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट कॉस एक्स का है ना, उसी को लिख दीजिए। तो कॉस एक्स से बताएं जो साइन में ये आया है, तो जाएगा, अब माइनस ऊपर कर दीजिए, तो टू अपॉन रूट थ्री, फिर सेक एक्स, सेक एक्स ये है कितना माइनस वन बाई टू, तो कितना हो जाएगा माइनस टू बाई वन, तो वन टू भाग उतना ही हो जाएगा, इसलिए माइनस टू हो जाएगा, सेक हो गया। अब टेन का अपोजिट कॉट, कॉट एक्स बताना है, तो टेन में रूट थ्री आया है, यहाँ वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। इसलिए प्रकार से अन्य जो शेष जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। फिर इसी के आगे भी अगला क्वेश्चन देखें, तो मैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आगे देखिए इसको। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा समझें, लिखा हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि, और चलिए यही कह दिए, एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको भी देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड मीन्स ये होता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेंटर है, पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई, सेकंड यहाँ ध्यान दें थ्री बाई फाइव, जैसे जानते हैं साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, तो यहाँ ऊपर थ्री है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और नीचे ये फाइव है हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस फाइव हो जाएगा। अब यहाँ एक डायगोनल खींच देंगे ये हाइपोटेनस की, यही हाइपोटेनस काम करेगा, होगा ये फाइव हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, और परपेंडिकुलर आप यहाँ थ्री है तो थ्री हो जाएगा, और सेकंड में ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है। अब रही है बेस, बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के फॉर्मूला लगा देना है, तो निकाल लेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पर आप हाइपोटेनस फाइव है 25 हो जाएगा इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर तीन है जिसको लंब कहते हैं, तीन का स्क्वायर 9 दिया, बेस नहीं पता था बीबी जी करें देते हैं, अब इधर आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4। अब होता तो प्लस माइनस है, अब इसके हिसाब चलेंगे, सेकंड में है बेस निगेटिव है बाईं ओर,
इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस फोर लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस एक्स है ये। ठीक, तो इस प्रकार से हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस सब तीनों मालूम हो गए, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सब निकाल सकते हैं। जैसे कॉस एक्स कहना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पर माइनस फोर है और हाइपोटेनस फाइव है, इस प्रकार से माइनस फोर अपॉन फाइव। इसी प्रकार से टैन एक्स कहना है तो जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस परपेंडिकुलर थ्री है, बेस माइनस फोर है, इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फोर कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। अन्य जो है अग्नि बुलेट के निकाल सकते हैं, साइन का अपोजिट कॉस एक तीन बटे पाँच है तो पाँच बटे तीन हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक माइनस चार बटे पाँच है तो पाँच बटे माइनस चार हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट चार बटे माइनस तीन हो जाएगा। इस प्रकार से इस जितने भी क्वाड्रेंट का है वो तुम लोग निकाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कर लोगे, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी पूछेंगे। अब उसी के आगे बढ़ते क्रम में हम अगला सवाल देख रहे हैं नए सिस्टम का। ये लिखा हुआ है 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको देखिए आप लोग। साइन 765 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए एक चीज़ इसमें बताना होगा, हम तो अभी आप लोगों को 90 तक एंगल बताए हैं, उसके आगे के मान जानने के लिए थोड़ा आप लोग समझें कैसे होगा हम बता रहे हैं। जैसे आप एक सर्किल में एक परिक्रमा जब चलता है, एक परिक्रमा कोई पिंड लगा लेता है तो एंगल कितना हो जाता है स्टूडेंट, 360 यानी 360 डिग्री, जिसको आप रेडियन में 2π भी कहते हैं। यहाँ उसी से आपको उसी डायरेक्शन पर चलना है, उसी को बेस मान करके एक परिक्रमा लगाने को 2π या 360 कहते हैं, चलना कहते हैं। यानी जब वहीं से चलकर वहीं आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप लोग जीरो मानते हो, जबकि डिस्टेंस दूर नहीं होगा, है ना, डिस्टेंस अलग होगा, डिस्टेंस तो 2π आर से चलता है। और वहीं से जब चल रहा, जैसे यहाँ चलते करके फिर यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, वैसे एंगल तो 2π चल लिया, जिसको हम लोग 360 भी कहते हैं डिग्री में। तो कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 360 या 360 की जितने बार गति कर ले जाए, परिक्रमा लगा ले जाए, चक्कर कर ले जाए, चाहे जितने बार परिक्रमा करे, डिस्प्लेसमेंट जीरो मानते हैं। जैसे यहाँ से कुछ दूरी तक गए फिर वहाँ से फिर वहीं आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस तो जितना जाएगा वो दूरी और लौटे वो दूरी दोनों को ऐड कर दोगे तब डिस्टेंस निकलेगा, है ना, वो तो परिभाषा है फिजिक्स में सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी है। तो 765 डिग्री है तो इसको हम 360 में ही तोड़ देंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि 360 का मतलब एक परिक्रमा लगाकर फिर वहीं आ जाना, अर्थात 360 चक्कर चलने के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना। इसलिए 360 डिग्री को स्टूडेंट अब हमेशा हम जीरो डिग्री बराबर मानेंगे, क्योंकि वहीं चल करके फिर से वहीं आ गया है डिस्प्लेसमेंट के आधार पर। तो इसलिए हम 765 को 360 ये 360 के जितने मल्टीपल हो सके वो उसमें तोड़ेंगे। तो इसको हम देखिए कैसे करेंगे, 765 अगर 2 × 360 तोड़ देते हैं तो 36 × 720 ही हो जाएगा, और 65 लाना है 765 तो 45 शेष है तो 45 एड कर दीजिए। ठीक है, अब यही आपको देखना हर बार इसको 360 में ही मल्टीपल करना है जो 360 से एबव हैं, बड़े हों, क्योंकि चलने के बाद वो जीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट उसका एक चक्कर लगाने के बाद। तो ये आप ध्यान दीजिए, तो ये तो आपका जीरो हो गया, चाहे 2 बार चला हो चाहे 10 बार चला हो, ये तो जीरो हो गया, और प्लस 45 है तो ध्यान दें इसको ये हो जाएगा 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू आपको सीख चुके हैं, बता चुके हैं 1/√2 हो जाएगा, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी के आगे देखें और भी, जैसे कॉस एक माइनस 1410 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखें। अब ये बात आती है कॉस एक माइनस थीटा है, माइनस लग गया है, इसके लिए थोड़ा समझिए आप लोग, इसमें ध्यान दें साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ करता है,
जबकि बेटा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, इसमें निगेटिव नहीं आया जबकि इसमें निगेटिव आ गया। तो इसको जानना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं सिखाई दे रही हूँ, अगर ये दो जान गए तो शेष सब बन जाएंगे, है ना। माइनस थीटा जैसे सेंटर है और एंटी डायरेक्शन में जाते हैं तब पॉजिटिव एंगल होता है, और उसके विपरीत जाते हैं यानी घड़ी की दिशा में जाते हैं निगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर इतना थीटा मान लें तो इधर वाला माइनस थीटा हो जाएगा। इस पर लाइन के देखें इसको, तो इतना ही मान लिया ये थीटा और ये इतना ही मान लिया, ठीक। तो यहाँ इसको परपेंडिकुलर लंब डाल दीजिए यहाँ पर। तो जैसा आप जानते हैं ये माइनस है, साइन माइनस है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर आपका जो होगा वो निगेटिव होगा, और हाइपोटेनस ऑलरेडी पॉजिटिव आई है निगेटिव, ठीक। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हमने इसको क्या मान लिया है ये हाइपोटेनस में पॉजिटिव लगा दिया। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो माइनस में प्लस का डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए स्टूडेंट समझ लीजिए माइनस हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, वैसे तो यहाँ पिछले लाएँ इसको 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 ड्रेन फर्स्ट में ले चलें तो उसे कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि भाई माइनस है चौथे क्वाड्रेंट में है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस से निगेटिव मिलेगा, इसलिए ये हमारा निगेटिव हो जाता है। इसी में कॉस को देखो, कॉस माइनस थीटा है जब, तो ये जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस ऑलरेडी पॉजिटिव है इसका, लेकिन इधर जा रहा है, और हाइपोटेनस भी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपान पॉजिटिव से पॉजिटिव मिल जाएगा इस प्रकार से। इसी में आप टैन भी देख लें, अगर टैन माइनस थीटा है तो इधर जान जाएंगे माइनस लगा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, बता दिया था इसको, तो टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका निगेटिव है, अब बेस आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव में पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें टेन माइनस भी माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ठीक। तो ये सब जान लो, छोटी सी बात नहीं सर। तो सबसे जब साइन निगेटिव हुआ तो इसका अपोजिट कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो इसलिए ये आपको हो जाएगा, सबसे पहले माइनस बाहर कर देंगे तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री ये हो गया। अब ये 1410 डिग्री को हम 360 के मल्टीपल में ही तोड़ेंगे, क्योंकि अब जान चुके हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये बताया जा चुका है, तो ये माइनस कॉसेक लिख देंगे। और कितने बार में तोड़े इसको ध्यान दीजिए, अगर 360 लिखते हैं इसको 3 बार मल्टीपल करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, 4 बार तो 3 × 6 = 18, 3 × 10, इसको 4 बार करिए तो जैसे ही जाएगा कम है या, मतलब आप ये ध्यान रखिए कितने बार ले चलें कि यहाँ जो प्लस बने, प्लस से माइनस बने वो 90 से कम रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये करें 36 × 72, 72 × 2, है ना, 1440, तो 1400 कितना हो जाएगा, हाँ 1440, हाँ ये 1410 ही है, इसका मतलब आप क्या कर दें -30 कर देंगे, पूरा बात कर लीजिए, 4 × 6 = 24, ठीक है, 4 × 6 = 24 हो गया, और 4 × 3 = 12 = 14 हो गया, 0 हो जाएगा, तो 1440 है, लाना हमको 1410 ही है, तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और 3 बार लिख देंगे तो बहुत कम हो जाएगा, इसको हमको 180 ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, हमने ये बताया जो 90 से कम जोड़ना है घटाना पड़े वो काम करेंगे, इसी ध्यान रहे अभ्यास से क्लियर हो जाएगा इज इक्वल। हाँ ये माइनस अपना लगा ही है और ये कॉस लिख देते हैं, ये इसने बताया कि 0 होता है, जान चुके कि टोटल 0 होगा, इसमें 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो अब बचा कितना, -30 बचा, अब कॉसेक -30 इज इक्वल टू -cosec 30, क्योंकि जान चुके साइन माइनस थीटा इसको -sin 30, तो यहाँ ये माइनस ये में प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका cosec 30 डिग्री। अब cosec 30 मीन्स साइन का अपोजिट है, तो sin 30 1/2 होता है, तो cosec 30 2 हो जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। फिर इसी के आगे आप देखें, समझिए इसको, और अधिक से अधिक मेहनत करिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, स्टूडेंट घर में बैठ करके मन लगा कर पढ़िए, अनावश्यक बाहर मत निकलिए, ठीक है, हाँ, अधिक से पढ़ाई में कोई गुना हो
अधिक से अधिक समय पढ़ाई में लगाइए और स्वस्थ रहिए। एक नंबर का देखिए, टेन 19 पाई डिवाइड बाई 3, इसको बताना इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे ध्यान दे पाए, हम आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर पाई ऊपर रहता है तो समझ जाइए और रेडियन में मान है ना, रेडियन और एंगल दो प्रकार के कोण बताए थे। अगर पाई ऊपर रहता है तो रेडियन कहलाता है, अगर पाई नीचे रहता है तो डिग्री कहलाता है। तो ये रेडियन जो दिया है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सही रहता है, क्योंकि 360 डिग्री हम जानते हैं है ना, एक चक्कर लग जाता है उसका मान 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, इसको tan 19/3 लिख दिया, अब पाई को हम तोड़ते हैं तो सीधे लिख दीजिए 180 है ना, तोड़ना है रेडियन में। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम आपको बताएं कि रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये पाई से पाई कट जाएगा, उतने हो जाओ 19, ये 19/3 हो जाएगा। बात वही भी कैसे, ये 3 से 3 6 18 का मिल जाएगा टैन, ठीक ये 6 9 6 9 54 5 और 6 9 6 5 11 1140 है ना, 1140 क्या चीज़, ये डिग्री में हो गया। अब इसको आप बदल लेंगे, इसको 360 में तोड़ लेंगे, 360 हो गया और 4 बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसको आप 3 बार में कर, 3 बार इसको ऐड करके तो कितना हो गया 36 3 5 108 होता है, 3 6 18 3 2 108 में 1080। अब ये 1080 हुआ, होना 1140 चाहिए, तो कितना क्या कर दें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, नहीं 1080 हुआ तो छोटे बताइए क्या करें, कम है ना, इसके बाद लाना तो ऐड करोगे ना कितना 60, ये 60 ऐड कर दिया। इसके आगे देखिए इक्वल करते चलिए, टेन अब ये आपका 0 हो गया, इतना ये चीज़ 0, ये भी 0, तो 0 + 60 इसका मतलब टेन 60 और टेन 60 के मान आप लोग जानते हैं, बताया जा चुका है। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट आंसर हो गया, इस प्रकार जितने भी रेडियन या डिग्री में दिए हों उन्हें कन्वर्ट करके फिर 360 के फैक्टर में तोड़ करके, इतना ध्यान रहे कि ये 90 से कम रहे, इससे ज़्यादा ना रहे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 90 के आगे के एंगल भी सिखाएंगे, ठीक। इस प्रकार मेरा मानना है सब तुम लोग कर लोगे। एक क्वेश्चन में और बताता हूँ, अगला है पार्ट -15π/4। अब जैसा आप जानते हैं माइनस है, तो हमने बताया कि टेन -θ = -tan θ। अब सूत्र से किसी को बताना समझाना हो तो फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये सबसे पहले कि माइनस बाहर हो जाएगा, तो -cot 15π/4 मार्क थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा लाइए। अब यहाँ पर ध्यान दें कॉट है, अब ये पाई जो रेडियन में है, ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 15/4 हम तो हर डिग्री यहाँ हो सकता, आप इसको कर दीजिए पाई की लिखा है, जैसे पाई अब लिखा रहने देते हैं तो 180/π, इसको ठीक समझ लीजिए, पाई पाई काटना था तो डिग्री आएगा, कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 4 16 4 5 20 ये होगा -cot 45 को 15 है 45 गुणा करेंगे, ठीक है, तो 15 25 75 की 5 हुआ, हासिल 7 हुआ, अब 15 4 60 और 60 7 67 ये जाए, ठीक है, 675 डिग्री में। अब इसको आपको हल करना, जैसे जानते हैं 360 के मल्टीपल तोड़ेंगे तो 2 × 360 कर लीजिए, 720 हो गया, अब लाना 675 ही ज़्यादा हम कर दिए, अगर दो बार एक बार में करते तो आपको जो प्लस माइनस जोड़ते घटाते जोड़ते जो वो ज़्यादा रहता है 180 से, इसलिए हमने कहा कि ये कम से कम रहे, 90 से कम रहे ज़्यादा अच्छा है, ये प्रयास रहे हमारा तो ठीक रहता है, ज़्यादा भी तो आ तो जाएगा किसी बंदी, हमें कि चूँकि 90 के आगे भी सिखाए नहीं, आपको सिखा देंगे तो भी बन जाएगा, कर लीजिएगा। तो 720 हुआ और लाना कितना है 675, तो कितना हुआ ये 20 और 25 45 45, इसमें ज़्यादा है
तो वो 4545 सेपरेट कर दीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा कि आपका माइनस और ये जीरो बना देगा, ये हो जाएगा जीरो माइनस 45। अब आप जानते हैं कॉट माइनस थीटा, इसको मान लेंगे बराबर माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टैन माइनस तो कॉट भी माइनस, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, एल माइनस पहले से लगा तो प्लस बन जाएगा, ये जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब कॉट 45 का मान जो टैन का होता है, टैन का, टैन 45 का 1 होता है, तो कॉट 45 का 1 का अपोजिट 1 ही होता है। इस प्रकार से ये एक इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आज की प्रश्नावली में है ना, एक्सरसाइज में 3.2 हम बताए हैं, और नेक्स्ट में हम आपको 3.3 या उसी के आगे बढ़ते क्रम पता चलेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ, इसको आप लोग ठीक से समझिए, जो ना बने आप कमेंट बॉक्स में हमसे एक बार नहीं कई बार पूछिए, और जो भी छोटी से बड़ी चीज़ जो भी आप कहेंगे हम सब आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे यही मान कहना है कि आप लोग घर पर बैठ कर मन लगा के पढ़ें, ठीक है, अनावश्यक समय व्यतीत ना करें। थैंक यू।